हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से। बच्चों, नया चैप्टर आपका क्या होगा? एल्कोहल, एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल, एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं बच्चों एक एक करके कि इस चैप्टर में हमारा सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एल्कोहल का सेगमेंट। किसका सेगमेंट बच्चों? अल्कोहल का सेगमेंट। तो अल्कोहल को वैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको नोमेनक्लेचर में आपको बता दिया है। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल में। तो अल्कोहल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हम करेंगे बच्चों स्टार्ट। अब देखो अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड, तो किस तरीके से हम अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे बच्चों, ठीक है? तो सबसे पहला मेथड जो आप लोग जानते हो बच्चों, बाय अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के थ्रू भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड के थ्रू हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों? अल्काइल हैलाइड में हम क्या करेंगे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर हम किसके थ्रू करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? और हम लोग यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे? न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्या लेंगे बच्चों? एक तो हम ले सकते हैं H2O, और क्या लेंगे? NaOH या फिर आपका KOH इन एक्वस मीडियम, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब देखो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक में बेटा आपको मैंने पहले ही बताया था, ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? ये आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों? वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपका SN1 देगा, ठीक है? और ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपका क्या देगा बच्चों? SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है? SN1 रिएक्शन और ये SN2 रिएक्शन देगा। अब मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले भी लेक्चर में कि SN1 में आपका क्या होता है बच्चों? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन आपका फॉर्म होगा, और कार्बोकेटायन फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है? और SN1 में आपका क्या होता है बच्चों? रेसेमिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? रेसेमिक मिक्सचर बनेगा आपका प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बच्चों? रेसेमिक मिक्सचर। अब हम बात करते हैं SN2 की। तो SN2 में एक्चुअली में होता क्या बच्चों? यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट से ही आपका प्रोडक्ट आगे की ओर डील होता है, ठीक है? यहाँ पर कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अब कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट डज नॉट अकर, यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा बच्चों, यहां पर आपका क्या बनता है बच्चों? इन्वर्जन प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बनता है बच्चों? इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो फिर से इसी चीज को मैंने रिपीट किया है आपको कि ताकि आपका पुराना कंसेप्ट वापस से आपका रिवाइज हो जाए एक बार, ठीक है बच्चों? अब हम देखते हैं एक एक करके रिएक्शन, ठीक है? तो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्टली चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर वन, अगर मैंने ये लिया, देखो यहां पर ये मैंने लिया ये, और यहां पर मेरा आयोडाइड, ठीक है? अगर मैंने इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाऊंगा, ठीक है? H2O के साथ, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन आपके कौन से मैकेनिज्म से चलेगी। तो मैंने यहां पर बता दिया है बच्चों H2O is a weak nucleophile, so that's why reaction is proceed by SN1 reaction। इसीलिए आपका रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा बच्चों? SN1 रिएक्शन से। तो यहां पर आपका रिएक्शन कौन सा फॉलो होगा? SN1 रिएक्शन, ठीक है? अब यहां पर SN1 रिएक्शन होगा फॉलो, और यहां पर कौन सा है? 2° हैलाइड। क्या है बच्चों? यहां पर 2° हैलाइड, ठीक है? ये आपका 2° हुआ ना बच्चों, ये 1 ये 2, ठीक है? 2° हैलाइड। अब कैसे होगा? सबसे पहले ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब यहां पर ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या होगा? अब इसका मैकेनिज्म पूरा समझते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको करते रहते हैं, ठीक है? ध्यान से। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों? कार्बोकेटायन, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका कौन से मैकेनिज्म से चल रहा है बच्चों? SN1 से। तो
लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन आपका बना तो कार्बोकेटाइन क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या ये आपका रीअरेंज हो सकता है? हाँ ये आपका रीअरेंज होगा, लेकिन आप समझते किस तरीके से, ये आपका रिंग है, रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे आपका क्या बचा है, कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब यहां पर रिंग एक्सपांशन होगा, ये वाला बॉन्ड खुल के यहां जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड खुल के आपका कहां जाएगा बच्चों, यहां जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हम इसलिए देते हैं बच्चों कि काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर रिंग एक्सपांशन होगा, क्या होगा बच्चों, रिंग एक्सपांशन फिनोमिना होगा, यहां पर रिंग आपका बढ़ेगा, ठीक है, रिंग आपका बढ़ेगा तो यहाँ पर 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन जाएगी बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपके क्या बन जाएगी बच्चों, 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन जाएगी। अब देखो 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन गई तो इसमें मैं नंबरिंग करता हूँ, नंबरिंग आप लोगों को हमेशा करना चाहिए बच्चों, ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़े, फिर अपने आप कुछ टाइम बाद आपको बिना नंबरिंग के भी आ जाएगा बच्चों। 3 4 5 6 6 पर कौन सा ग्रुप है बच्चों, आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मैंने लगा दिया। अब कार्बोकेटाइन देखो, ये प्लस है तो ये आपका माइनस होना चाहिए और ये आपका प्लस होगा, तो फिफ्थ पे आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज। नाउ अब आपका H2O मॉलिक्यूल, H2O न्यूक्लियोफाइल अब आपका कहां अटैक करेगा बच्चों, H2O न्यूक्लियोफाइल अब आपका कहां अटैक करेगा, H2O न्यूक्लियोफाइल अब आपका प्लस पे अटैक करेगा। अब जब आपका H2O न्यूक्लियोफाइल अगर आपका प्लस पे अटैक करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, OH प्लस H, अब ये वाला बॉन्ड अब आपका यहां खुलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा OH। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने किया है। इसका मैं एक दो एग्जांपल और मैं लेता हूं बच्चों, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। यहां पर अगर मेरे पास CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CL, ठीक है, ये मेरे पास है अभी, ठीक है बच्चों। इसी एग्जांपल को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एग्जांपल नंबर 3 में इसी को रिपीट करूंगा बच्चों, मैं ध्यान से समझना बच्चों, CH3 CH2 CL, ये मैंने लिया एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के प्रेजेंट में, ठीक है, एक्वस NaOH के प्रेजेंट में, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर मैं CH3 करता हूँ ताकि आपको रीअरेंज कराने का रिक्वायरमेंट पड़ जाए, ठीक है, यहाँ पर CH2 यहाँ पर CL, ठीक है, यहाँ पर आपका OH, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका H2O, ठीक है, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों एक्वस NaOH, अब देखो एक्वस NaOH के प्रेजेंट में आपका कौन सा मैकेनिज्म चलेगा बच्चों, यहाँ पर आपका SN2 पाथवे को फॉलो करेगा, तो मतलब जहां से आपका CL निकला है वहां से ही आपका क्या ऐड होगा, वहां पर आपका OH- बिहेव एज व्हाट, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, OH- आपका किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की तरह, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा तो ये आपका बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से आपका CL बाहर निकलेगा, ठीक है, फिर से वही चीज आपकी रिपीट होगी बच्चों, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिमिलर टॉपिक आपके बार बार रिपीट होंगे, तो ये बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पूरा रिविजन एंड तक आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खुद आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो इसमें H2O में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका SN1 रिएक्शन होगा, अब यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा तो इसका मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो यहाँ से CL एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब देखो CL अगर आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाल दिया बच्चों, यहाँ पर H नहीं होगा, यहाँ से मैंने CH2 प्लस बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, ये वाला ग्रुप यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, CH3 CH2 CH3। नाउ
अब आपका अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, H2O मॉलिक्यूल आपका अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा। देखो अब अगले स्टेप में आपका H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, CH3COH CH2CH3CH3, ये आपका प्लस चार्ज ये यहाँ जाएगा तो नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3COH CH2CH3CH3। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके रिएक्शन को प्रोसीड करना है। ठीक है बच्चों, काफी इजी है, एक दो बार अगर आप लोग इन्हें ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्वस एनएओएच और एक्वस केओएच के प्रेजेंट में आपको SN2 मैकेनिज्म लगाना है, और अगर आपका H2O होगा तो आपको कौन सा मैकेनिज्म लगाना है बच्चों, SN1। यहां पर एक और एग्जांपल, हम इसका एक और एग्जांपल दे देख सकते हैं बच्चों, देखते हैं एक और एग्जांपल ताकि आपको और आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, और जिनको रीअरेंजमेंट अभी तक नहीं आया है वो बार बार कोशिश करेंगे इन एग्जाम्पल का, तो उनको रीअरेंजमेंट अच्छे से आ जाएगा। काफी ये आपका रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ये आपका सिंपल है। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये काफी इजी टॉपिक है। देखो Cl, अब यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे आप देखो, यहां पर मैंने लिया, यहां पर मैं ले लेता हूँ H2O के साथ रिएक्शन करना है, आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चों, प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट आप कैसे बताओगे, देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार हम लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले एज ए लिविंग ग्रुप ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बनेगा CH2+। अब देखो रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे, रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे आपका क्या है बच्चों, रिंग वाले कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब रिंग क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सपार्ट हो जाएगी, यहाँ पर रिंग आपकी खुल जाएगी। अब देखो रिंग जैसे खोलोगे हमेशा नंबरिंग दोगे, ये प्लस होगा तो ये आपका क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस। ठीक है, आप देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ये आपने 5 मेंबर के रिंग बनाना है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपका 5 मेंबर का रिंग बना दिया बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी टॉपिक है और कई बच्चों का रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर 5 मेंबर का रिंग बनाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 मेंबर का मैंने रिंग बना दिया। अब देखो 2 पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब देखो 2 पर जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज आया, अब इस पर कौन अटैक करेगा, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल अब यहां अटैक करेगा, जैसे ही आपका H2O मॉलिक्यूल यहां अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, OH OH, ये आपका प्लस, ये यहां जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर क्या बनेगा OH। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा सारे कंसेप्ट। नाउ जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अब हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों आपने फिर पढ़ा हुआ है बाय एल्कीन, ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड बाय एल्कीन, ठीक है एल्कीन के थ्रू। ठीक है बच्चों, एल्कीन में हम अभी पॉइंट वाइज लेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों, यहां पर फर्स्ट फर्स्ट बाय डायल्यूट, डायल्यूट H2SO4, या फिर आपका क्या ले सकते हैं, या फिर आपका H2O या H+। मतलब आपको क्या कराना है, सिंपली आपको हाइड्रेशन कराना है एल्कीन का। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से कैसे करेंगे, काफी इजी है। ठीक है, H2O को मुझे एसिडिक मीडिया में लेना है, तो देखते हैं यहां पर बाय एल्कीन में एग्जाम्पल ही देखते हैं बच्चों सीधा हम। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अब हम रिएक्शन कराएंगे किसका बच्चों, H2, यहाँ पर आपका सबसे पहले H+। अब ये यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म को शो करेगा बच्चों, यहाँ पर आपका शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को ये आपका फॉलो करेगा। काफी इजी है। इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट किया। जब इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट किया तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, CH3CH+ और यहाँ पर CH2। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका इंटरमीडिएट, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या बन गया बच्चों, कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट आपका क्या बन गया बच्चों, कार्बोकेटायन। अब इंटरमीडिएट पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये अगर आपका अटैक करेगा तो किस तरीके से अटैक करेगा बच्चों, ध्यान से देखते हैं। फिर वही मैकेनिज्म है बच्चों, अब काफी इजी लग रहा होगा बच्चों आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही तरीके से चलना है। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर CH3 है बच्चों, CH3 होगा। नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3COH CH3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस स्टेप में इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। जब आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट डज नॉट अकर, रीअरेंजमेंट आपका नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और हम इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर बच्चों। अगला एग्जांपल बच्चों देखो, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका एग्जांपल है ठीक है। अब इस पर आपका रिएक्शन कराना है किसका बच्चों, H2O और H+ का ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं ध्यान से एक एक करके। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे तो आपको प्रोडक्ट बताना है। देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों एक एक करके। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों इसका ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिया बच्चों, यहां पर मैंने लिया ये और यहां पर मैंने लिया ये ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट किया जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को। अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किया जाएगा। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने इसको डोनेट किया तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों आपका, ये बनेगा और यहाँ पर ये बनेगा ठीक है। इसमें मैं बहुत अच्छा चीज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों, एक ध्यान से समझेंगे। अब देखो रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे आपका क्या आ गया, कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, रिंग एक्सपांशन। यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, रिंग एक्सपांशन, मतलब रिंग आपका एक्सपांड होगा। तो यहां पर ये ऐसे जाएगा ठीक है। अब ये प्लस है तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस ठीक है। ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा ठीक है। कौन सा वाला बॉन्ड आपका टूटेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। अब देखो यहां पर नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ठीक है। अब यहां से मैं दो पाथ बनाता हूँ। किसी किसी को लग रहा होगा कि ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, कोई कोई आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ने की इसमें रहेगा। चलो ठीक है, अभी हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं बच्चों। ये वाला बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये वाला बॉन्ड अगर आप तोड़ रहे हो तो इसको तोड़ के देखो, इसको तोड़ के देखो। अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ठीक है, जैसे आपका यही वाला बॉन्ड अगर आपका यहाँ पर टूटने वाला है ठीक है। 1 पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा बच्चों, मिथाइल ग्रुप ठीक है। और 2 पर आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। और 2 पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कार्बोकेटायन। 2 पर ही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर आपका कौन सा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन आ चुका है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन आ चुका है ठीक है। जब यहाँ पर अगर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन आ चुका है बच्चों, तो अब अगले स्टेप में आपका क्या होगा, अगले स्टेप में आपका क्या होगा समझते हैं। अगले स्टेप में आपका क्या होगा कि H2O मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ अटैक करेगा ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज अ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, सो दैट्स व्हाई इसके इसके आगे हम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते ठीक है। हम इसके आगे रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्यों, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज अ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। और यहाँ पर रिंग भी आपका एक्सपांड हो चुका है, यहाँ पर आपका रिंग भी आपका क्या हो चुका है बच्चों, एक्सपांड हो चुका है। तो यहाँ पर H2O का अटैक कराया, जैसे ही मैंने H2O का अटैक कराया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी कंसेप्ट है। ये आपका OHH, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा,
तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका बन सकता है बच्चों, यहां पर आपका क्या बन गया, OH, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉर्मूला, और ये आपका इसका क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल मैकेनिज्म है बच्चों, एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन, इसी का एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पर मैं एक और CH3 लगा देता हूँ ताकि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब देखते हो बच्चों, यहाँ पर आपको इसकी रिएक्शन H2O और H+ में करवाना है, तो किस तरीके से करवाएंगे बच्चों, सबसे पहले आपका क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होगा, तो यहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन हुआ किसको बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल को आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल को अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा, ये आपका यहां पर बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। अब यहां पर कार्बोकैटायन क्या है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है यहां पर आपका क्या है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपका बन गया, अब देखते हैं यहां पर ध्यान से समझते हैं, अब देखो यही आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन आगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा। अब यहां पर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा क्योंकि यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका कैसे लिख रहे हैं बच्चों हम, अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड, अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड, ये बात ध्यान रखना बच्चों। और माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड का ऑर्डर क्या है बच्चों, सबसे पहले H, उसके बाद PH, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल, और उसके बाद आपका कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर CH3 आपका शिफ्ट कर जाएगा, CH3 अगर आपका शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका CH3। नाउ अब यहाँ पर H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, तो यहाँ पर H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है ये आपका, अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COH, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH CH3, यहाँ पर CH3। अब ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं, CH3COH CH3 CH CH3 CH3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर H2O और H+ के कंडीशन में रिएक्शन कराना है, सेम एज H2SO4, डायल्यूट H2SO4 के कंडीशन में भी आपको इसी तरीके से रिएक्शन को प्रोग्रेस करवाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहिए बच्चों, एक साथ साथ। नाउ बच्चों अब हम देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, नया एक और आपका रिएक्शन, इसी में आपका दूसरा रिएक्शन जो आपने पढ़ा होगा, जिसका अभी तक रिपीटेशन नहीं हुआ है, वो भी आज आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर बी रिएक्शन, बाय हाइड्रोबोरेशन। देखो बच्चों हाइड्रोबोरेशन क्या बच्चों, BH3 THF और साथ में क्या लेंगे, H2O2 इन बेसिक मीडिया, दिस इज अ हाइड्रोबोरेशन, ये आपका क्या होगा, रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, ये आपका रिएजेंट होगा, ठीक है, रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। देखो इसमें सिमेट्रिकल एल्किन में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है, इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम आपके कौन से एल्किन में, अनसिमेट्रिकल एल्किन में। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं,
ठीक है, मैकेनिज्म किस तरीके से ये आपका फॉलो करेगा, मैकेनिज्म हम समझते समझते आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो अनसिमेट्रिकल में आपको ज्यादा दिक्कत होती है इसलिए मैंने अनसिमेट्रिकल ही लेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे हाइड्रोबोरेशन। और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाय हाइड्रोबोरेशन मतलब यहाँ पर HBH BH2 का एडिशन होगा, ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यह आपका कौन सा स्टेप होगा, ये आपका होगा स्टेप फर्स्ट एंड दिस इज व्हाट स्टेप सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टेप सेकंड। तो काफी इजी कंसेप्ट है, एक एक करके समझते हैं। देखो यहाँ पर BH3 THF, ठीक है, अब BH3 THF, अब सबसे पहले आपका पॉइंट आ रहा होगा कि THF हमने क्यों लिया। ठीक है, देखो अब मैं आपको सिंपल बताता हूं कि BH3 इज नॉट अ स्टेबल, BH3 इज नॉट स्टेबल, स्टेबल इट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ B2H6 डाइबोरेन। ठीक है, डाइबोरेन, ठीक है, ये आपका डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर B2H6 है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर BH3 बनाऊंगा तो यहाँ पर जो आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है या फिर ईथर है, ईथर क्या करेगा इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स के थ्रू इसको स्टेबल कर देगा। देखो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर देखे, ये इसको ड्राइविंग फोर्स के थ्रू स्टेबल कर देगा, वैसे ये आपका स्टेबल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पर आपका ड्राइविंग फोर्स लगेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लेते हैं बच्चों, THF। ठीक है, THF क्यों लेते हैं, जनरली BH3 डज नॉट एग्जिस्ट, BH3 आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइमर फॉर्म, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाइमर फॉर्म। तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसीलिए, और यहाँ पर आपका लोन पेयर देखिए यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा देता है बच्चों, ये आपका यहाँ पर लगा देगा ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स के थ्रू ये आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कभी कभी आपको B2H6 भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी आप समझ जाना कि यही रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें समझते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को अब हम समझते हैं एक एक करके। इस रिएक्शन में BH3, नाउ ये आपका किसकी तरह है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या है बच्चों, ये आपका डोनर है, लेकिन आपका BH3 कहाँ एक्सेप्ट करेगा, BH3 आपके पाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ एक्सेप्ट करेगा, BH3 आपका क्या करता है बच्चों, वैकेंट पी ऑर्बिटल कैरी करता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल कैरी करता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल अगर कैरी करेगा BH3 आपका, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, मतलब आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रोफाइल को जब आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करोगे तो किस तरीके से आपका होगा मैकेनिज्म, अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इसका एक स्टेप लिखूंगा, अगला स्टेप आप लोगों को अपने आप समझते समझते लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं, देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर BH3 का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, ये देखो BH3, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, जैसे ही अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इसको देगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्या होगा, B आपका किस, यहां पर आपका प्लस होगा, यहां पर आपका माइनस होगा। ठीक है, अब ध्यान से मैं जो आपका साइक्लिक कंपाउंड बना रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर बोरोन है, यहां पर हाइड्रोजन है, बोरोन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, बोरोन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो यहां पर ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन बोरोन, मतलब
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपका किसके बच्चों बोरोन के थ्रू। तो यहाँ पर एच माइनस होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा एच माइनस होगा, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पर एच, यहाँ पर बी एच टू, और यहाँ पर इस तरीके से साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा। ठीक है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब रीअरेंजमेंट फिर से नहीं होगा, रीअरेंजमेंट कैन नॉट अकर। ध्यान रखना, जब भी आपका साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों इंटरमीडिएट, क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट होगा, और दोनों ने एक ही पोजीशन से अटैक किया है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा सिन एडिशन, कौन सा एडिशन होगा बच्चों सिन एडिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिंपल समझते हैं, यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर आपका CH2BH2। ठीक है, अब देखो सिमिलर स्टेप को, ठीक है सिमिलर स्टेप को आपको 3 बार रिपीट करना है। तो ये हो गया स्टेप वन का ए पार्ट, स्टेप वन का ए पार्ट। अब हम देखते हैं स्टेप टू का बी पार्ट। तो स्टेप टू के बी पार्ट में क्या होगा बच्चों, अब देखो थोड़ी देर के लिए, यहां पर देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको आर मान लू, थोड़ी देर के लिए मैं इस ग्रुप को आर मान लेता हूं। तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों RBH2 एज्यूम कर लिया, ताकि आपको बाद में हम इसको अलग कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप बी में आपका क्या है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन RBH2 के साथ करवाएंगे। अब यहां पर फिर से हाइड्रोजन, मतलब जितने भी बोरोन के अंदर हाइड्रोजन होंगे सारे आपके चेंज होंगे। तो यहां पर फिर से आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से बताओ, ये आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर BHR। ठीक है, अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा वापस से बच्चों CH3CH2CH2, यहाँ पर क्या हो गया BHR। ठीक है, इस वाले ग्रुप को मैंने क्या माना हुआ था बच्चों R, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप क्या आ गया R2BH आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से आपका सेम स्टेप रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन इस बार किसके साथ, R2BH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HBr2 लिख दिया मैंने। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr2। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों CH3CH2CH2Br2। ठीक है, इसको फिर से मैंने क्या बोला, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूँ Br3। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों Br3। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगला स्टेप, दिस इज अ व्हाट, हाइड्रोबोरेशन। ये सारा का सारा स्टेप आपका कौन सा था, दिस इज अ हाइड्रोबोरेशन स्टेप। हाइड्रोबोरेशन मतलब यहां पर BH3 का एडिशन हुआ है, दिस इज अ हाइड्रोबोरेशन स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप की अब हम मूव करेंगे, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो स्टेप टू को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आप समझना ऑक्सीडेशन कैसे करना है बच्चों, यहां पर ध्यान से। ठीक है, ऑक्सीडेशन में मैंने यहां पर H2O2 और बेसिक मीडिया का यूज करेंगे, किसका करेंगे बच्चों यूज, H2O2 और बेसिक मीडिया का। तो यहां पर ध्यान देना, H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बच्चों, और यहां पर आपका, यहां पर मैंने क्या लिया, बेसिक मीडिया। ठीक है, अब ये बेसिक मीडिया क्या करेगा, इसके एच को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एच को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया, इतने दूर से मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं पास वाले एच को ही करा देता हूँ, ये वाले एच को ही अट्रैक्ट करवा दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, H2O आ जाएगा, O-OH। ठीक है, यहाँ पर आ गया बच्चों, ये क्या हो जाएगा, परोक्साइड आयन, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका परोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन करेंगे। देखो हमारे पास Br3 आया था,
ये ऐसा था, ठीक है। फिर से इसके पास क्या होगा बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, ओ ओ एच, ये यहां अटैक करेगा। जैसे ही यहां अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, बी, ध्यान से समझें, बी आर आर आर, ठीक है, यहां पर ओ ओ एच। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला स्टेप आपको ध्यान से समझना है। देखो यहां पर ये वाला स्टेप आपको ध्यान से समझना है, ये वाला आपका क्या करेगा बच्चों, ये वाला आपका यहां जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा। तो आपका क्या होगा बच्चों, आर बी आर ओ आर, ठीक है, और यहां से क्या बाहर निकल गया बच्चों, ओ एच माइनस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मीडियम जैसा आता है वैसा ही बाहर निकलता है मीडियम, मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये इसका स्टेप वन है। इसी तरीके से अगर मैं दो स्टेप को रिपीट करूंगा, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट सेम अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ओ आर ओ बी, यहां पर लिख देता हूँ इस तरीके से लिख देता हूँ बच्चों, बी आर ओ आर ओ आर, यहां पर आर, ठीक है। अब फिर से मैंने इसका ओ ओ एच के साथ कराया, तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल में कौन आपका अटैक कर जाएगा बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल में ये आपका अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा फिर से, और एक और आपका ओ आर आ जाएगा सिमिलर स्टेप, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहां से भी आपका क्या निकलेगा, ओ एच माइनस। इसी तरीके से अगर मैं अगले स्टेप की बात करूंगा तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में बी ओ आर आर, ठीक है। अब देखो ओ एच माइनस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो फिर से यह इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देगा। नाउ इस बार क्या हो जाएगा, बी ओ आर ओ आर ओ आर, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल बोरेट, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल बोरेट, ये आपका क्या बन गया, अल्काइल बोरेट, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे, अगला स्टेप में जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, यहां से जो बेसिक मीडिया निकल रहा है उसी के साथ मैं अगर रिएक्शन कराऊंगा ओ एच माइनस के साथ, ठीक है, ओ एच माइनस के साथ जैसे ही मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका किस में डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों, BO3 3- में, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, आर ओ एच। अब इस आर की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ बच्चों, CH3 CH2 CH2 OH, नाउ आपका क्या आ गया बच्चों, एल्कोहल आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, नोट नोट लिख लो यहां पर नोट के लिए, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम BH3 एंड 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 ओ एच माइनस आयन, ठीक है। हाइड्रोजन ओ एच माइनस आयन इज कम्स फ्रॉम, है ना, ओ एच माइनस आयन कम्स फ्रॉम H2O2, ठीक है, H2O2, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यहां पर मैंने बोला कि H2 एक BH3 की तरह होता है, एक आपका H2O2 की तरह होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इफ वी विल यूज BD3 देन D comes from BD3, same as H2O2, ठीक है, same as D2O2, D2O2 होगा तो आपको क्या निकलेगा बच्चों, OD आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो आपका नोट करने वाला है बच्चों वो क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, सेकंड पॉइंट आपका देखो, जहां पर मैंने इसको मैं आप शॉर्ट में लिखता हूं, नोट टू, ठीक है, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या बना, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, दिस रिएक्शन कैन सीम्स एज कैन सी दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड दिस रिएक्शन
कैन बी कॉल्ड एंटी मार्कोनी कॉफ, एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बच्चों आपका? एंटी मार्कोनी कॉफ रिएक्शन की तरह होगा बच्चों। ये आपका एंटी मार्कोनी कॉफ की तरह होगा, लेकिन एंटी मार्कोनी कॉफ नहीं होगा। इसी ये आपका क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। एंटी मार्कोनी कॉफ टाइप का एडिशन होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में जो आपका एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनी कॉफ टाइप का होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहां पर समझने वाला बात ये है कि यहां पर एंटी मार्कोनी कॉफ टाइप का होगा। लास्ट नोट जो आपका इंपोर्टेंट है बच्चों, नोट नंबर थर्ड, रीअरेंजमेंट डज नॉट अकर। रीअरेंजमेंट आपका नहीं होगा। आई होप कि आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा डाइबोरेशन किस तरीके से आपको करना है। नाउ अब हम चलते हैं मर्क्यूरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन पे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलने से पहले हम इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं। तो यहां पर एग्जांपल कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो एग्जांपल क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों? यहां पर मैंने ले लिया ये आपका CH3। ठीक है, अगर इस टाइप का रिएक्शन है तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले अब देखो इसकी रिएक्शन आपको, एक तो आपको किसके साथ करानी है? H2O H+ के साथ, और आपको दूसरा किसके साथ कराना है बच्चों? BH3 THF H2O2 नहीं बच्चों, D2O2 के साथ कराओ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। D2O2 OD-, यहां पर OH- भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। OH-। यहां पर अगला BD3 THF, D2O2 नहीं लेंगे इस बार, H2O2 लेंगे ताकि आपको दोनों का विजुअलाइजेशन अच्छे से हो। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसके आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? देखो पहले रिएक्शन में आपका क्या होगा? पहले रिएक्शन में आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आप इलेक्ट्रोफाइल को देगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को देगा तो क्या होगा बच्चों? यहां पर सबसे पहले यहां पर आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, यहां पर आपका क्या होगा? CH3। यहां पर आपका क्या फॉर्म होगा बच्चों? कार्बोकेटायन, यहां पर CH3। ठीक है, यहां पर ये वाला H यहां आ चुका है। ठीक है, नाउ अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे। देखो ये आपका CH3, यहां पर प्लस चार्ज। अगले स्टेप में H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये आपका यहां अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान से बहुत ही आराम से करेंगे क्वेश्चन को। OH, ये आपका प्लस, ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ खुलेगा बच्चों? ये इधर खुलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? CH3, यहां पर क्या आ जाएगा? OH। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं बच्चों, अगले में क्या है बच्चों? सबसे पहले H आएगा, ठीक है, यहां पर साइक्लिक रिंग बनेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ टाइप का होगा रिएक्शन, तो आपका यहां पर क्या बनेगा? देखो यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ में मतलब लेस स्टेबल पोजिशन आपको ढूंढना है, जैसे इसका उल्टा पोजीशन ढूंढना है, तो लेस स्टेबल पोजीशन ढूंढ लो बच्चों। यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर CH3, और यहीं पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? D आ जाएगा। यहीं पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? D आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका D नहीं, यहां पर BH3 से H, जो कि आपका कहां से आया बच्चों? BH3 से। अब आपका OH कहां जुड़ेगा? यहां पर आपका OH नहीं, यहां पर OD जुड़ेगा, जो कि आपका कहां से आया है? D2O2 से। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट आपका हो गया CH3, यहां पर क्या आ जाएगा? OD। ठीक है, अगला इस रिएक्शन का कैसे होगा बच्चों? यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? D, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, इस टाइप का आपका रिएक्शन होगा। D कहां से आया बच्चों? BD3 से, और ये आपका कहां से आया? H2O2 से। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है। ठीक है, यहां तक आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था बच्चों, थोड़ा सा आप लोग अगर इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।